जीएसटी टीडीएस, आपने इनकम टैक्स टीडीएस का नाम सुना होगा। इनकम टैक्स के अंदर जो रेट ऑफ टीडीएस होते हैं वो बहुत ही डिफरेंट होते हैं, 1%, 2%, 5%, 10%, 20% और भी ना जाने कितने। लेकिन जीएसटी के अंदर सिर्फ एक ही रेट ऑफ टीडीएस है, वो है सिर्फ 2%। इसका प्रोविजन आपको सेक्शन 51 सीजीएसटी एक्ट में मिल जाएगा। अब आप ये जानिए कि जीएसटी के अंदर जो ये 2% टैक्स डिडक्ट करते हैं, ये डिडक्टर कौन है और कब करते हैं। तो देखिए, गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई हैं टोटल 4 डिडक्टर। पहला वो डिडक्टर जिसकी डिपार्टमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा एस्टेब्लिश्ड हो। दूसरा वो पर्सन जो एक लोकल अथॉरिटी हो, लोकल अथॉरिटी मीन्स जस्ट लाइक पंचायत या कॉरपोरेशन एरिया। तीसरा वो पर्सन जो एक गवर्नमेंट एजेंसी हो, जस्ट लाइक LIC या PSU सेक्टर। और चौथा वो पर्सन जो गवर्नमेंट के द्वारा नोटिफाई हो। सिर्फ ये 4% ही जीएसटी के अंदर टीडीएस डिडक्ट कर सकते हैं, वो भी कितने रेट किस हिसाब से, 2% के हिसाब से। अब ये कब कर सकते हैं, जब कोई सप्लायर इन्हें सेल इनवॉइस इशू करेगा और उस सेल इनवॉइस की जो वैल्यू होगी वो 2,50,000 से एक्सीड की गई होगी। मतलब सेल इनवॉइस की जो वैल्यू होगी वो 2,50,000 से ज्यादा होगा, तभी ये 4% उस अमाउंट के ऊपर 2% के हिसाब से जीएसटी टीडीएस डिडक्ट करेंगे। और इसे विद इन अ 10 डे फ्रॉम द एंड ऑफ द मंथ, जिस मंथ में ये डिडक्ट करेंगे उसके सक्सीडिंग मंथ के विद इन अ 10 डे उस 2% को गवर्नमेंट को डिपॉजिट करेंगे, ताकि जो सप्लायर है वो अपने जीएसटी में इस 2% टीडीएस रेट को क्लेम कर सके। और अगर ये पर्सन जो 4% जो मैंने आपको बताया, अगर ये ऐसा नहीं करते हैं तो इनके ऊपर 18% इंटरेस्ट चार्ज की जाएगी। तो आई होप जीएसटी से रिलेटेड जो टीडीएस की रेट है, जो बहुत ही शॉर्ट है लेकिन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये आपके लिए हेल्पफुल होगी और डे टू डे प्रैक्टिकल लाइफ में आप इससे अपने काम को आसान बना पाएंगे। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए आप हमारे इस एडवोकेट मैनेज जाके चैनल को फॉलो और प्यार करते रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन जय हिंद, थैंक्स फॉर वॉचिंग।